मांधाता विधानसभा क्षेत्र के मशहूर पर्यटन स्थल हनुवंतिया में पैरामोटर हादसे में दो लोगों ने जान गंवाई थी। 20 जनवरी 2021 को हुआ था हादसा। हादसे के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया था और ताबड़तोड़ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे। हादसे में टूटा हुआ पैरामोटर मुंडी थाने में जब्त पड़ा है। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के मशहूर पर्यटन स्थल हनुवंतिया को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए प्रशासन प्रचार प्रसार कर रहा है। वहीं पर्यटन केंद्र पर लापरवाही के चलते और इवेंट कंपनी की दबंगाई को लेकर प्रशासन भी उसके सामने नतमस्तक होता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यायिक जांच के आदेश देने के बाद भी कार्यवाही नहीं होना और मुख्यमंत्री को भी इस हादसे में केवल जांच के आदेश देने के बाद कुछ नहीं करना या कई संस्थाओं के साथ मध्य प्रदेश शासन सहित स्थानीय प्रशासन पर सवाल या निशान खड़ा करती है। 11 माह पूर्व हुए हादसे के बारे में क्षेत्र के SGOP राकेश पेंड्रो से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमने जांच के लिए कई एजेंसियों को पत्र लिख चुके हैं, ऐसी कोई जांच एजेंसी अभी तक नहीं आई है जिसके कारण हमारी जांच अधर में लटकी हुई है और जांच जारी है। अगर ऐसे बड़े बड़े हादसों की जांच 11 माह तक अधर में लटकी रहेगी तो आगे क्या होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। ओंकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। देखिए, जो घटना हुआ था एक्सीडेंट का पैरामोटर का, उसमें उसकी जांच बाकी है। पैरामोटर की जांच, उसके लिए कोई अथोराइज एजेंसी के संबंध में पत्राचार किया है और जैसे उसमें जानकारी मिलती है उसकी जांच करा ली जाएगी, उसका निराकरण हो जाएगा। अभी उसकी जांच शेष है इसलिए पेंडिंग है। उसमें कैसे गिरा, किस कारण एक्सीडेंट हुआ, उसकी जांच होनी है, जो ही बाकी।